हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रितेश, और आज मैं अपने ब्लॉग में आपको लेके चलूँगा कंचनपुरी धाम, जो कि दमोह के 24 किलोमीटर दूर अभाना तेंदुखिला रोड पर स्थित है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को लेके चलने वाला हूँ कंचनपुरी धाम, जहाँ आपको हम दर्शन कराएंगे भगवान हनुमान के, जो कि पंचमुखी हनुमान के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम आप सभी को लेके चलने वाले, हमारे साथ हमारे भाई लोग, भाई सौरभ, भाई अभितेंद्र, विक्की और सौरभ, हम तीनों आज आपको बाइक से लेके चलते हैं कंचनपुरी धाम, जो कि दमोह अभाना तेंदुखिला रोड पर स्थित है। तो गाइस चलते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज मैं आप सभी को लेके चलने वाला हूँ भगवान हनुमान जी के मंदिर कंचनपुरी, जो कि दमोह से मात्र 24 किलोमीटर है, जो अभाना होते हुए जबलपुर रोड पे मंदिर स्थित है। आज मैं आप सभी को वहाँ लेके चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं अभी हम तीनों लोग, भाई सौरभ, अभितेंद्र, ये एक पुल पड़ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि नदी, ये दमोह के राजघाट का पुल है। अभी आप देख सकते हैं कि बरसात ना होने के कारण ये सूखी नदी हुई है। अभी बीच रास्ते में ये राजघाट का पुल पड़ता है, और ये ब्यारमा नदी, जो कि आप सभी देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, कि अभी तो इसमें कम पानी है क्योंकि ये गर्मी का सीज़न है, और जब बरसात आएगी तो ये लबालब भरी होती है ये नदी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उस तरफ हमारा ये राजघाट का पुल है सामने, और ये ब्यारमा नदी देख सकते हैं कि पानी का जायज़ा ले रहे हैं हमारे सौरभ भाई, अभितेंद्र भाई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हम आपको लेके चलने वाले हैं कंचनपुरी धाम, जो कि दमोह में स्थित है। तो आज हमारे साथ हमारे सौरभ, अभितेंद्र, बाइक से तीनों लोग, हम आपको दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और हम आपको आगे दर्शन कराएंगे। आप सभी देख सकते हैं कि हम मंदिर के बाहर आपको ले, अभी आपको अंदर लेके चलेंगे। दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में, हम आपको अभी कंचनपुरी धाम हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं कंचनपुरी धाम में। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये बाहर का दृश्य, प्रसाद के लिए दुकानें लगाई हुई हैं, और अब हम सभी अंदर चलेंगे और आपको भगवान हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। जय श्री हनुमान। चलो, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि हम आपको आज लेके चलने वाले हैं कंचनपुरी धाम, जो है दमोह के अभाना तेंदुखिला रोड पर स्थित। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब कंचनपुरी धाम के मंदिर के बाहर होंगे तो आपको हम दिखाएंगे, और हम आपको सीधे लेके चलते हैं कि कंचनपुरी धाम का यह है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, आपको हम दर्शन कराने वाले हैं अपने आने वाले पूरे वीडियो के माध्यम से।
जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज हम कंचनपुरी धाम में हैं और आप सभी को हम कंचनपुरी धाम में भगवान हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जो कि यहाँ पर विराजमान हैं उनके आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर बाबा जी हैं तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों भगवान हनुमान पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन आप सभी को हम जूम करके दिखाएंगे। दोस्तों आप दर्शन कर सकते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी हनुमति निवार सुमन के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन मंगल कुंचित केसा तो इस वक्त आप सभी देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ कंचनपुरी धाम में भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं बाबा जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो दोस्तों इस वक्त हम आप सभी को दिखाना चाहते हैं कि यह सबसे प्राचीन मंदिर और सबसे पुराना मंदिर है कंचनपुरी धाम में जो कि दमोह से अभाना होती है तेंदुखड़ रोड पर पड़ता है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस प्राचीन मंदिर में खैर माता माँ विराजमान हैं जो हम आप सभी को दिखाना चाहते हैं कि इस मंदिर में माँ जगत जननी खैर माता विराजमान है जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि हम इस वक्त खड़े हैं कंचनपुरी धाम में और आपको हम दिखाना चाहते हैं ये प्राचीन मंदिर जहां पर विराजमान हैं नौ देवियां अलग अलग अपने स्वरूपों में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये नौ देवियां अलग अलग स्वरूपों में इस मंदिर में विराजमान हैं। दोस्तों
हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों एक नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।